हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। तो मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन मोड में है, तो आप देख सकते हैं 7,764 में आ गया। तो ये 18,469 से करेक्शन होके अभी ये लेवल में आ गया। अभी भी RSI 44 है, शायद और थोड़ा फर्दर करेक्शंस हो सकते हैं। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का स्टॉक है कानपुर प्लास्टिक पैक लिमिटेड, इसका थर्ड अपडेट है। ऑलरेडी इसमें हमने पहले अपडेट्स दिया था, तो बोनस का टाइम में हमने बाई किया था। अगर आपका पोर्टफोलियो में स्टिल आप होल्ड कर रहे हैं तो हायर प्राइस में है, तो आपको अभी एक मौका है। तो ये एक स्मॉल कैप है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इसको ले रहे हैं। आगे वीडियो में डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी कंटिन्यूस करेक्शन हो रहा है, इसमें सेलिंग हो रहा है, कुछ खास रीजंस नहीं है। आप NSE का वेबसाइट में जाके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में इसका न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपडेट्स आ चुका है, तो आगे हम देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा कमती है कंपेयर टू जून क्वार्टर को और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सितंबर 2020 क्वार्टर को, बट लॉस में नहीं है कंपनी। अभी भी 5 करोड़ का प्रॉफिट में ही है। तो पिछले 5 क्वार्टर में ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, तो हमको कुछ वरी करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्वार्टर वाइज अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट जैसा कंपनी लॉस में नहीं जाता है तो आपको इसमें रिस्क ले सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपने इसमें पोजीशन बना के रखा है, बाई किया है, नहीं तो आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट हम रख सकते हैं ड्यू टू टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो इनकम स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो हमने मार्च 2020 और मार्च 2021 को कंपेयर किया, तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं, इधर मार्च 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 30 करोड़ का प्रॉफिट है। और कंपेरेटिवली सेल्स भी बढ़ गया, शायद कोरोना की वजह से भी बोल सकते हैं, बट स्टिल अभी ग्रोथ है। तो ये साल में कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा ज़्यादा आना है प्रॉफिट्स। तो इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं, पिछले साल 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था इन्होंने, 2021 मार्च में 9 करोड़ का इंटरेस्ट है। तो डिविडेंड कुछ अच्छा डिविडेंड नहीं बोल सकते, बट स्टिल कंपनी कंटिन्यूस डिविडेंड दे रहे हैं। बहुत सारा कंपनी डिविडेंड ही नहीं देता है। 18, 19, 20, 21 में भी 2 बार इन्हें ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है। प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं। तो प्राइस परफॉर्मेंस 1 वीक आपको 20% सस्ते में स्टॉक मिल रहा है अभी कंपेरेटिवली 1 वीक। अगर आप 3 महीने का कंपेरिजन करते हैं तो 11% सस्ते मिल रहा है। तो कल का वॉल्यूम थे 3,65,000 डिलीवरी उठाया गया, और आज का वॉल्यूम है 40,000, तो 74% का डिलीवरी इसमें उठाया गया हुआ है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो हमारा वीडियो बनने का मकसद यही है, आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड, ये बैंड को कट करके बहुत ही नीचे का तरफ आ गया। ऑलरेडी ये 138 में है, तो RSI आप देख सकते हैं 27 है, तो 40 के नीचे गया तो नॉर्मली हम लोग ओवरसोल्ड करके कंसीडर करते हैं। तो ये अभी 27 है, हाईली ओवरसोल्ड जोन में चला गया। आप देख सकते हैं 30 का भी नीचे आ गया, तो ये लेवल से इसको ट्रेंड रिवर्सल होना है, थोड़ा करेक्शन दिखाना है। तो दोस्तों, ये स्मॉल कैप है, शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो नॉर्मली कुछ स्टॉक्स ऐसा ओवरसोल्ड जोन में चला जाते हैं, क्योंकि मार्केट का अदर स्टॉक्स भी हैवी सेलिंग में, प्रेशर में है। अगर ऑलरेडी आपने आपका पोर्टफोलियो में ये कंपनी का स्टॉक्स है तो हायर प्राइस में, तो आपको एक मौका है ये एवरेज करने के लिए, क्योंकि इसका बाद में ये तुरंत कम बैक करना है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल होना है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है। तो आगे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 170 में है, अभी 138 में है। आप देख सकते हैं MACD ये ऊपर का तरफ था, इमिडिएटली कट करके शार्प नीचे का तरफ गया। तो MACD अभी सेलिंग का वजह से नीचे का तरफ बता रहे हैं, शायद इसमें अभी आपको थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आप ये लेवल में एंट्री लेते हैं, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हाई प्राइस में अपने बाई करके रखा है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो हम ये टाइम में एवरेज कर रहे हैं। जैसा ये बोनस का टाइम में हमने लिया था इसको, जिसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम प्रॉफिट में इसमें से निकलेंगे। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो ये प्राइस में एंट्री करके शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो हमने टिकर टेप का एनालिसिस देखा, इसमें कुछ फोरकास्ट नहीं है, कोई इस पर एनालिस्ट इसमें कुछ उनका ओपिनियन नहीं दिया, बट इनका चेकलिस्ट के हिसाब से एंट्री टाइम गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो ओवरबॉट में नहीं है, अभी ओवरसोल्ड जोन में है। तो डिविडेंड रिटर्न्स अच्छा नहीं है, हमने देख लिया है इसमें, तो शॉर्ट टर्म को आपको प्राइस मूवमेंट ले सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करके, कैन शोन इन कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रेंड और लास्ट 5 ईयर्स, तो डिविडेंड के लिए नहीं ले सकते, आपको शॉर्ट टर्म के ले सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपको पोर्टफोलियो में है तो आप ये लेवल में एवरेज करके आ सकते हैं आपको, अगर आप ये स्टॉक से बाहर आना चाहते हैं तो ये आपको एक मौका है क्योंकि वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।